एडिटिंग वैसे करो जैसे कि जब आप वीडियो एडिट होने के बाद अपलोड हो जाए और आप देखो तो आपको भी लगे कि ये एडिटिंग मैंने की है। हेलो गाइस, कैसे हो सब कुछ? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया हो और अपने अपने घरों में हो। तो भैया, आज मैं आपको अपने दोस्त से मिलाने जा रहा हूँ। ये पहली बार ही मेरे ब्लॉग में नहीं आ रहा, इससे पहले भी आ चुके हैं बहुत पहले, आज से एक साल पहले। तो बड़े टाइम बाद हम मिल रहे हैं, लॉकडाउन के बाद ये पहली बार घर से निकला है। नहीं नहीं, पहले बंदा बीच बीच में घर से निकलता लेकिन ज़रूरी कामों से निकलता, ऐसे बंदा बेफालतू घर से बाहर नहीं निकलता। तो आज मेरे को मिला था, दो तीन काम थे हमको, तो वो काम ख़त्म कर लिए। अच्छा अच्छा ब्लॉग बना ले और एक ब्लॉग भी बन जाएगा और इससे मिल रहे हैं तो एक नया बंदा भी ब्लॉग में आ जाएगा। तो चलो, अब जहाँ पे भी जाते हैं थोड़ा बहुत घूमेंगे, ब्लॉग बन जाएगा 8-9 मिनट का। और एक टाइम पे यहाँ पे इतनी भीड़ होती थी ना, देख लो पूरी जगह इतनी भीड़ होती थी, अब पूरी जगह खाली है। यहाँ पे कम से कम 500,000 बंदा होता ही होता था डेली, लेकिन अभी देख लो, मतलब सेंटर है ना, ये सेंटर है यहाँ का, मतलब जौन सी सिटी है ना वहाँ का सेंटर है। तो देख लो कोरोना का कहर कितना फैला हुआ है इस पूरे यूरोप में, पूरा यूरोप बंद हो गया है। और ये मास्क ना परेशान करके रखा है इसने, तो फिलहाल उतारा हुआ है क्योंकि ओब्लिगेट, मतलब यहाँ पे तो अभी ज़रूरी है, मतलब ओब्लिगेशन है, पहनना ही पहनना है। बिना मास्क के अगर हम ट्रम में चढ़ते हैं, बस में चढ़ते हैं, मास्क नहीं पहने, या तो हमें मास्क देते हैं तो कहते हैं कि घर पे जाओ, मतलब उतार देते हैं, चढ़ने नहीं देते। तो मुश्किल हो गया बिना मास्क के जीना समझो। और अभी अगर मास्क के बगैर अगर हमको कोई बोले ना मास्क दे और तेरे को सोना मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो हम ना कर देंगे, नहीं नहीं चाहिए हमें ना मास्क दे दे बस, वही काफ़ी है। क्योंकि अभी फ़िलहाल ना सबसे मेन चीज़ है मास्क। चलो पैसा सब कुछ आता रहेगा, लेकिन अगर प्रोटेक्शन नहीं है ना इस टाइम पे तो कुछ भी नहीं है। A few moments later. तो जैसे कि आप सबको पता है फ्रांस में लॉकडाउन 11 तारीख को खुला था, तो तेरे हिसाब से लॉकडाउन खुलना चाहिए था या नहीं खुलना चाहिए था? ऐसा तो ये इस महीने के एंड तक होना चाहिए था, मतलब इस महीने के एंड तक मतलब होना चाहिए था, लेकिन जल्दी खोल दिया इन्होंने। चलो देखते हैं अभी 25 तारीख को पता लगेगा। आज आई थिंक 25 ही है, हाँ 25 है, 24 है, आज 25 है, हाँ नहीं आज 25 है, सॉरी। तो आज एक दो दिन में पता लगेगा क्या होगा, लॉकडाउन फिर से लगना है फिर कंटिन्यू खुला रहेगा। आज 25 है, देखते हैं जो भी होगा देखा जाएगा। गाइस आपको ये पीछे दिख रहा ना, ये यहाँ का सिनेमा था। एक टाइम हम सारे दोस्त मिलके यहाँ पे आए थे, तो अभी देख के याद आ गया कि यहाँ पे एक टाइम पे हम मूवी देख रहे थे और अभी बंद है। और पीछे देखो कितना बड़ा वो चर्च है, वो भी बंद है, सिर्फ संडे को खुलता है लेकिन अभी वो भी नहीं खुल रहा, सब कुछ बंद हो चुका है। सारे यहाँ पे बैनर्स लगा दिए हैं क्या, मतलब कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। तो देख लो अभी लॉकडाउन में इतने सारे व्लॉग मैंने बनाए, एक टाइम पे सारे यादगार बनेंगे और हम देखेंगे कि हमने लॉकडाउन में भी ये चीज़ बनाई थी और ये टाइम भी आया था। तो देख लो टाइम कहाँ से कहाँ लेके चला जाता है बंदे को। तो बाकी अभी देखते हैं कब ख़त्म होगा। मेरे को तो लगता है ये लॉकडाउन जो है ना, मतलब ये वायरस जो है 2021 तक हमको लेके ही जाएगा, उससे पहले मेरे को नहीं लगता है ख़त्म होगा। मतलब ऐसे ही होगा ये, मतलब वैसे नहीं कह रहा कि मतलब हमको मास्क डाल के ऐसे प्रिकॉशन लेके ही चलना पड़ेगा 2021 तक, जहाँ तक मेरे को लगता है। बाकी जो भी होगा देखा जाएगा, जैसे भी होगा हम तो जी रहे हैं और जीते रहेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम थोड़ी बहुत फ़ोटोज ले रहे थे, थंबनेल के लिए ज़रूरी है, बिना थंबनेल के वीडियो में मज़ा नहीं आता, तो इसके लिए ज़रूरी है थंबनेल के लिए फ़ोटो लेना। तो गाइज मेरे को कई लोग कहते हैं ना कि तू ना वीडियो बनाता है लेकिन तू सोच के बोलता है वीडियो में, देख ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। देखो हमारे जोन से भी व्लॉग होते हैं ना, जो निकलता है दिल से निकलता है, कोई हम लिख के नहीं बनाते, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता, कुछ नहीं होता, जो निकलता है दिल से निकलता है। और मतलब कुछ सोच के नहीं बोलते हम, जो दिल में आता है व्लॉग में बोल देते हैं। इतना है हम घर से सोच के निकलते हैं कि किस बारे में व्लॉग बनाना है, क्योंकि ऐसे व्लॉग हम नहीं बनाते जिसका कोई सर या पैर कुछ भी ना हो, जिसका कोई मीनिंग ही ना निकले। तो इसके लिए हम वो वाले व्लॉग बनाते हैं जिसमें कुछ मतलब हो, जिसमें कहीं पर हम जा रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो वो हम दिखाएँ, बिना मतलब के व्लॉग अगर हम बनाए ना तो डेली व्लॉग्स हमारे बन सकते हैं, उसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। Oh
कई लोगों ने बोला कि आप एडिटिंग कैसे करते हो और मतलब कहाँ से सीखी वगैरह। देखो एडिटिंग तो मैं खुद ही सीखा हूँ, देख देख के, ट्यूटोरियल देख देख के और ऐसे मतलब एडिटिंग कर करके। तो देखो मेरे हिसाब से एडिटिंग वैसे करो जैसे कि जब आप वीडियो एडिट होने के बाद अपलोड हो जाए और आप देखो तो आपको भी लगे कि ये एडिटिंग मैंने की है, मतलब आपको भी यकीन ना हो कि आपने किया है वो। तो मतलब चीज़ ऐसे करो कि देखने के बाद आपको ही लगे कि मेरी नहीं है वो, किसी और ने की है, किसी और की मेहनत है। तो इसके लिए चीज़ को पूरी मेहनत से और दिल से करो तो वो चीज़ अच्छी होती है। देखो गाइस यहाँ पे कितनी पुरानी पुरानी जगह है, ये गलियों में मैं भी नहीं आया, ये मेरे को लेके आया पता नहीं, क्योंकि मैं जिस सिटी मतलब मैं जिस सिटी में मेरी दुकान है ये उस सिटी में रहता है। तो मतलब ऐसे कह सकते हैं कि मैं इसकी सिटी में रहता हूँ क्योंकि ये मेरे से पहले यहाँ पे रहता था। तो देख लो यहाँ पे कितनी पुरानी पुरानी जगह है, इस जगह पे मैं भी नहीं आया। तो और वहाँ पे देखो कि सामने कितना अच्छा व्यू आ रहा है, अभी आपको उसके भी शॉट दिखाऊंगा थोड़े बहुत। तो देखो और इन्जॉय करो। ये पीछे जगह देखो, ये मतलब इतना बड़ा पुल है, ये पुल कह लो इसको, ब्रिज कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन देखो कितनी लंबी मतलब यहाँ से क्या व्यू आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टाइम लैप्स लिया, तो आपने वो देख लिया होगा या फिर देख लोगे, वो एडिटिंग करने वक्त देखूँगा मैं, लेकिन देख लो कितना मस्त व्यू है यहाँ से, मतलब ऑसम। तो देख लो हमारी शक्लें बिना मास्क के, क्योंकि बीच में हम गली में थे, हमने सोचा थोड़ी देर मास्क उतार लें क्योंकि सांस लेना भी ज़रूरी है, उसमें सांस लेते हैं लेकिन ऐसे दिल वो सा होता है, लेकिन चलो क्योंकि अब तो आदत हो गई है, मैं सारा दिन दुकान पर होता हूँ, मास्क पहनने की आदत हो गई है और हाथ धोने की भी आदत हो गई है, किसी चीज़ को भी टच करते हैं तो वापस फेस पे टच नहीं करते क्योंकि फिर बाद में मन में एक मतलब वहम सा बैठ जाता है कि मतलब मैंने मुँह पर टच किया, कुछ हो ना गया हो। तो इसके लिए कुछ भी। तो गए ये मतलब जो आपने बाहर से चर्च देखा, ये यहाँ की एंट्रेंस है, मतलब देख लो बहुत बड़ा चर्च है, ऊपर तक सारा बड़ा चर्च है, ये छोटा चर्च ही है, मतलब पता नहीं मेरे को लगता है 3-4 हज़ार मीटर का होगा आई थिंक, लेकिन बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। तो भाइयों ब्लॉग को एंड करते हैं, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। इस भाई से मैं मतलब जसमीत सिंह बिंद्रस का नाम है, इसकी इंस्टाग्राम आईडी यहीं पर क्लिक कर आ रही होगी, इसको भी जाके फॉलो करो। और मैंने ये ब्लॉग ऐसे ही मस्ती में बनाया, भाई से मिल रहा था, मैंने कहा चलो एक ब्लॉग बना लेते हैं और ब्लॉग बन जाएगा। तो ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, मैं आपको जल्दी ही मिलूँगा किसी ऐसे ही बढ़िया से ब्लॉग में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, टिल देन और कोरोना वायरस से भी बचो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो टिल देन बाय बाय। Two thousand years later. अभी भी मास्क नहीं पहनते, उनको हम क्या कहें बताओ, क्या कहें, पागल कहें, बेवकूफ कहें, क्या के लिए अच्छा है? यहाँ पे तो बोलते हैं अगर नहीं डालना मत डालो। हाँ यहाँ पे सेफ्टी अपने हाथ में, यहाँ पे लोग बोलते हैं डालना डालो, नहीं डालना मत डालो, लेकिन सेफ्टी अपने हाथ में है, क्योंकि अगर हमको कुछ होगा तो हम हजारों को और भी दे सकते हैं। तो मेन ये बात है।